इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंडविड्थ किसे कहते हैं. बैंडविड्थ दरअसल हमारे पास जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो जो ट्रांसफर हो रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में, उस अमाउंट ऑफ डाटा को हम बैंडविड्थ कहते हैं. बैंडविड्थ जो है वो किसी भी वायर्ड नेटवर्क की हो सकती है जिसके अंदर हमने वायर का इस्तेमाल किया हो, या वो किसी भी वायरलेस नेटवर्क की भी हो सकती है. जैसे कि हमारे पास डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क्स हैं जिसके अंदर हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं. अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि अमाउंट ऑफ डाटा का इसके अंदर क्या मतलब है. अमाउंट ऑफ डाटा से मुराद क्या है? डाटा जो हमारे पास इसके अंदर ट्रांसफ़र होता है वो दरअसल बिट्स की शक्ल में ट्रांसफ़र होता है. तो हमने इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ टाइम रखा होता है वो आमतौर पे 1 सेकंड होता है. यानी हम ये देखते हैं कि 1 सेकंड के वक्त में अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो कितना ट्रेवल हुआ है, वो दरअसल उस कम्युनिकेशन मीडियम की बैंडविड्थ कहलाती है. अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले हमने डेटा रेट के बारे में पढ़ा था, यानी कि स्पीड के बारे में पढ़ा था. उसका यूनिट भी बिट्स पर सेकंड है और इसको भी हम नापते हैं बिट्स पर सेकंड में. लेकिन इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, दोनों में एक फ़र्क है. आमतौर पे एक कन्फ्यूजन पाई जाती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि बैंडविड्थ को और स्पीड ऑफ नेटवर्क को एक ही मान लेते हैं, हालांकि इन दोनों में फ़र्क है. बैंडविड्थ पे अगर आप गौर करें, ये लफ्ज़ निकला है विड्थ से, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रीम ऑफ डाटा फ्लो कर रहा होता है वो दरअसल एक बैंड में फ्लो कर रहा होता है. यानी ये लेट सपोज कि जो उसका रास्ता है, जिस रास्ते से डाटा फ्लो कर रहा है, उसको हम मान लेते हैं कि ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये एक बैंड है जिसके अंदर ये बिट्स ट्रेवल कर रही हैं. इस बैंड की जो विड्थ है, विड्थ का जो वर्ड हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, अगर हम इसको एग्जांपल दें, इसे समझने की कोशिश करें, अगर हम रोड की बात करें, सड़क में जो विड्थ की हम बात करते हैं, सड़क की जो चौड़ाई होती है वो दरअसल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये दरअसल उस रोड की विड्थ होती है. लेकिन हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कोई वायर है या वो कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर हमारे पास ये जो बैंड है इसका विड्थ कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम इसके बैंड की विड्थ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बैंड को हम नापते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि उसमें से अमाउंट ऑफ डाटा कितना पास हो रहा है. और अमाउंट ऑफ डाटा जितना ज़्यादा पास हो रहा होगा 1 सेकंड में, इसका मतलब कि उसकी बैंड विड्थ उतनी ज़्यादा है. अब आप इसके अंदर दोनों का कंपैरिजन करें, ये एक दो बैंड्स हैं और अब आपने बताना है कि 1 सेकंड में किस बैंड से ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा गुजरेगा. यानी 1 सेकंड का वक्त हम इसको भी देते हैं, 1 सेकंड का वक्त हम इसे भी देते हैं, लेकिन 1 सेकंड के वक्त में यहाँ से जो अमाउंट ऑफ डाटा है यानी बिट्स की जो स्ट्रीम है, यानी द नंबर ऑफ बिट्स हैं, वो 1 सेकंड में यहाँ से ज़्यादा गुजरेंगी और यहाँ से कम गुजरेंगी. इसका मतलब हुआ कि इसकी विड्थ ज़्यादा है. तो बैंड विड्थ से हमें जो नेटवर्क है उसकी क्वालिटी का पता चलता है कि उस नेटवर्क के अंदर हम कितना अमाउंट ऑफ डाटा भेज सकते हैं. जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा हम 1 सेकंड में भेजेंगे उतना ज़्यादा उस नेटवर्क की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी. इसको हम एक यहाँ पे एक इमेज से भी समझ सकते हैं. इसके अंदर आप देखें डिफरेंट बैंड्स दिखाए गए हैं और हर बैंड में से जो स्ट्रीम ऑफ डाटा है वो फ्लो कर रहा है. अब आप इसके अंदर देखें कि लेट सपोज ये हमारे पास बैंड ए है, ये बी है, ये सी है. तो सी बैंड जो है आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है, यानी यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो कम पास हो रहा है. अब इस बैंड विड्थ का हमारा डेली लाइफ से क्या ताल्लुक है? आपने आजकल इस टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा 3G टेक्नोलॉजी या 4G टेक्नोलॉजी. ये दरअसल क्या होती है? जी का मतलब होता है जनरेशन. सबसे पहली टेक्नोलॉजी जिसके अंदर डाटा ट्रांसमिशन, डाटा कम्युनिकेशन हुई, वो फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी थी. इसके अंदर हमारे पास डाटा एनालॉग सिग्नल की शक्ल में ट्रेवल करता था. एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ जो थी वो काफ़ी कम थी. उसके बाद बैंडविड्थ के अंदर डेवलपमेंट हुई, यानी विड्थ में इजाफा हुआ और हमारे पास जो अगली टेक्नोलॉजी आई वो 2G टेक्नोलॉजी थी. इसके ज़रिए हम मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए टेक्स्ट मैसेजेस भी टाइप कर सकते थे. तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, वो दरअसल बैंडविड्थ में डेवलपमेंट हो रही है, यानी हमारी बैंडविड्थ इंक्रीज कर रही है. उसके बाद जो न्यू टेक्नोलॉजी आई कुछ साल पहले वो थी 3G. इसको हम कहते हैं 3rd जनरेशन. इसके अंदर पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचा सकते हैं. इसकी भी बैंडविड्थ
2G से ज़्यादा थी। इस तरह बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है और आपके पास जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो दरअसल 4G टेक्नोलॉजी है। इसके ज़रिए आप अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह अमाउंट ऑफ डाटा बड़ी तादाद में बहुत ही कम वक्त में पहुँचा सकते हैं, यानी डाटा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाटा अपलोड भी कर सकते हैं 4G टेक्नोलॉजी में। और आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी है, इसकी बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी अगर आप 4G टेक्नोलॉजी से डाउनलोड कर रहे हैं डाटा, और अगर आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं जिसमें 2 घंटे लग रहे हैं, वही मूवी 5G टेक्नोलॉजी से कुछ सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये सारा जो साइंस है इसके पीछे ये बैंडविड्थ है जो किसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है। जितनी बैंड की विड्थ बढ़ती जा रही है उतना अमाउंट ऑफ डाटा हम 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि बैंडविड्थ क्या होती है।